Hello and welcome to today's lesson. This program is regarding use of computers in mass communication. जो जन संचार है उसमें कंप्यूटर का क्या प्रयोग होता है उसके बारे में हम बात करेंगे. आपको ध्यान होगा कि जब कंप्यूटर्स नहीं थे, जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं था और जब सिर्फ प्रिंटिंग प्रेस था और जब अखबार और जो पत्र पत्रिकाएं ही निकलती थीं, उस वक्त जो कंपोजिशन था, कंपोज करना और उसको फिर प्रिंट करना एक बहुत बड़े जोखिम का काम था और इसमें काफ़ी सारा मेहनत लगता था. एक एक करके अल्फ़ाबेट्स को अरेंज किया जाता था, फॉन्ट्स को अरेंज करके फिर उनका लेआउट बना के उसमें बहुत सारे और जो उसमें केमिकल लगते थे उसमें बहुत प्रॉब्लम हो जाती थी. मतलब कई लोगों का वो सेहत पे असर करता था. लेकिन आज के युग में जो कंप्यूटर जब आया, जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और फिर कंप्यूटर आ गया, कंप्यूटर ने इसको इतना आसान बना दिया है कि हम इमेजिन भी नहीं कर सकते. जो पुराने मशीन्स थी वो रिप्लेस हो गई है कंप्यूटर से और कंप्यूटर ने हमारा जीना आसान कर दिया है. जहाँ वहीं पर उसको जो कम्युनिकेशन के माध्यम है उनको भी आसान कर दिया है. आजकल की एज जो है इंफॉर्मेशन की एज है और इसमें जो भारत में भी जो है इसका बहुत असर पड़ा है और प्रिंटिंग जो है इसका असर जो है कंप्यूटर का प्रिंटिंग पे, ब्रॉडकास्टिंग पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, एडवर्टाइजिंग एजेंसीज पे और न्यूज़ एजेंसीज और फिल्म्स में बहुत प्रयोग होने लगा है. कंपोजिंग, प्रिंटिंग, एनिमेशन, डायग्राम, ऑडियो, वीडियो, विजुअल्स, लार्ज डेटा जो है वो स्टोरेज डेटा किया जाता है और इसको सेंट्रलाइज करके न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स में पब्लिश किया जाता है और इस तरीके से एक एडवांस सिस्टम हमारे पास आ गया है. ऑनलाइन न्यूज़पेपर एडिशंस हमारे पास आते हैं और बहुत ही जल्दी, बहुत ही रैपिड, मतलब डिलीवरी में तो डिलीवरी बॉय को आप तक के घर तक आने में टाइम लगता था, अखबार की डिलीवरी में टाइम लगता था, अखबार को ट्रांसपोर्ट करने में टाइम लगता था. आजकल एक क्लिक पे उसने अपलोड कर दिया और एक क्लिक पे आपने देखना शुरू कर दिया अखबार क्या निकला है आज का. सो टाइम कंजप्शन, स्पेस, एवरीथिंग हैज चेंज्ड. सब कुछ चेंज हो गया है. आप जिस तरीके से आजकल अखबार पढ़ते हैं नेट पे, उससे जो है वो पुराना कॉन्सेप्ट जो है वो ख़त्म होता जा रहा है और इस तरीके से ये कंप्यूटर ने किया है. कंप्यूटर ने किया और यूज़ ऑफ कंप्यूटर सिस्टम ने किया है. ये जो इलेक्ट्रॉनिक न्यूज़ रूम है जहाँ न्यूज़ एडिटर्स चेक करते हैं, रिपोर्ट फाइल्स चेक करते हैं और उसको चेक करके वापस उसको भेजते हैं करेक्शन के लिए, जिसने एडिटर ने उसको एडिट किया होता है, असिस्टेंट एडिटर ने, उसकी फाइनल कॉपी बनाने के लिए, ये भी बहुत जल्दी जल्दी हो जाता है. जो न्यूज़ वेबसाइट्स है और न्यूज़ ब्लॉग्स है वो न्यूमरस वेज में, बहुत सारे वेज में अपने न्यूज़ को अपडेट करते रहते हैं. ये पॉसिबिलिटी पहले नहीं थी. आप अखबार एक दफ़ा छपा के उसको दिन में अपडेट नहीं कर सकते थे. तो आजकल की दुनिया में आप इसको दिन में भी दो तीन बार अपडेट कर सकते हैं न्यूज़ को. अगर आपका अखबार है, ऑनलाइन अखबार है, नई खबर छपी है, आप उसको इंक्लूड कर सकते हैं और इस तरीके से आप इसको अपडेट करते हैं. तो ये फ़ायदा है. फिर जो आपका ऑडियंस है उसकी रीच बहुत बड़ी हो गई है. अखबार की रीच से बहुत ज़्यादा हो गई है क्योंकि हर एक के पास मोबाइल है जिस पे वो अपना न्यूज़ देखता है. फिल्म में ले लो आप, न्यूज़ में ले लो आप, किसी भी क्षेत्र में जहाँ पे हमको कम्युनिकेशन का कोई भी क्षेत्र है वहाँ पे इसकी आपको प्रेजेंस मिलेगी जहाँ पे इसको यूज़ किया जाता है. अब सिनेमा में ले लो आप, शूटिंग से लेके उसके एडिटिंग और फाइनल कट तक इसका यूज़ किया जाता है. और फिल्म में बहुत सशक्त माध्यम है कम्युनिकेशन का. कम्युनिकेशन फिल्म के थ्रू सबसे ज़्यादा अच्छा होता है और उसमें जो है इसका बहुत, इसके ग्राफिक इफ़ेक्ट्स जो है बहुत ज़बरदस्त, स्पेशल इफ़ेक्ट्स जो है बहुत ज़बरदस्त इफ़ेक्ट करते हैं. इवन साउंड के मॉड्यूलेशन में कंप्यूटर का बहुत बड़ा हाथ है इस वक्त. साउंड एडिटिंग, ग्राफिक्स, एनिमेशन और डिस्ट्रीब्यूशन, फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत बड़ा हाथ है.
फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन में इस टेक्निक का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि सेटेलाइट डिस्ट्रीब्यूशन से आप कंप्यूटर से इसको एक जगह से दूसरी जगह डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। कंप्यूटर ने यह सब पॉसिबल हो गया, उसकी वजह से पॉसिबल हो गया। आज आपके रिपोर्टर के पास जो सैमसंग का मोबाइल है उससे वो रिपोर्ट फाइल करता है, वहीं पे एडिट करता है उसको, और वो एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम होता है, उसको ENPS बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक न्यूज़ डाटा प्रोसेसिंग सिस्टम। ये न्यूज़ रूम में लगा होता है, उस पर जो न्यूज़ फ्लो है, जो रिपोर्ट्स का फ्लो है, वो अपने आप उसको अपडेट करता रहता है और आपके पास और उसको कैटेगराइज करता रहता है कि ये न्यूज़ जिसके हम स्लग बोलते थे उसके स्लग के साथ उसको सॉर्ट आउट करता रहता है। और न्यूज़ एडिटर को आसानी होती है उसको तरह जगह जगह से एक ही जगह समेकित करके एक टेबल पे ये ENPS के थ्रू सारी न्यूज़ आ जाती है। इलेक्ट्रॉनिक न्यूज़ प्रोसेसिंग जो सिस्टम है ये कंप्यूटर है और इसमें सारे रिपोर्ट्स आ जाती हैं, और ये वीडियो रिपोर्ट्स आ सकती है, ये ऑडियो रिपोर्ट्स आ सकती है, ये टैक्स रिपोर्ट्स आ सकती है। सो इट्स ए वंडर। और इस तरीके से ये रिपोर्ट्स जो है कवर स्टोरेज करते हैं और एक डाटा की तरह आपको कंप्यूटर में भेज देते हैं जहां आप इसको खोल के देखते हैं। फोटो सेटिंग में कंप्यूटर ने बहुत बड़ा योगदान दिया है। वेब ऑफसेट प्रिंटिंग प्रोसेस में इसका बहुत बड़ा योगदान है, और पब्लिशर्स और न्यूज़पेपर मैगजीन और प्रिंट प्रोड्यूसर्स जितने भी हैं वो फैसिनेट हो जाते हैं इस आइडिया से कि इसकी जो डिलीवरी है इन्फॉर्मेशन की वो कितनी आसान हो गई है। कन्वेंशनल प्रिंटिंग और कन्वेंशनल पेपर जो है वो एक जोखिम था और उसमें काफ़ी खर्चा भी था, इसमें खर्चा भी बच गया है क्योंकि पेपर जो है वो एक्सक्लूड हो गया है, पेड़ बच जाएंगे, अब पेड़ इतने नहीं कटेंगे क्योंकि पेपर की आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब जो है इस तरीके का से भी अगर सोचेंगे तो बेनिफिट ही बेनिफिट है, जो प्रोड्यूसर और कंज्यूमर दोनों का बेनिफिट है। प्रोड्यूसर का बेनिफिट ये है कि उसका जो कॉस्ट इफेक्टिव हो गया है, कॉस्ट उसके रिड्यूस हो गए हैं, और कंज्यूमर का बेनिफिट ये है कि उसको जो है 24 आवर्स के लिए उसके पास अवेलेबल है, वो पढ़ सकता है, अपने कंप्यूटर से पढ़ सकता है। इवन मेडिसिन में भी जो कम्युनिकेशन का माध्यम, लेकिन कम्युनिकेशन में मेडिसिन का भी बहुत बड़ा हाथ है। तो मेडिसिन जो एडमिनिस्टर करते हैं, मेडिकल हिस्ट्री रिकॉर्ड्स वगैरह सब, और जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं उनमें जो ग्राफिक्स आते हैं, अगर हम अभी दिखेंगे मेडिसिन का प्रोग्राम आ गया, मेडिकल का, या किसी भी साइंटिफिक प्रोग्राम कोई आ गया, उसको एक्सप्लेन करने में बहुत आसानी होती है क्योंकि अब इसको हम शॉट बाय शॉट, फ्रेम बाय फ्रेम एक्सप्लेन करते हैं, अपनी बॉडी के एनाटॉमी को हम देख सकते हैं इस पर, तो उसको हम समझा सकते हैं। एडवर्टाइजर जो है, यानी मैं आपको बोलता हूँ कि हर एक क्षेत्र में जहाँ पे हमको कोई भी मैसेज कम्युनिकेट करना है, कोई भी क्षेत्र, चाहे साइंस का क्षेत्र है, चाहे एग्रीकल्चर का क्षेत्र है, जो भी हमारे कम्युनिकेशन में के उसके प्रीव्यू में आता है, परव्यू में आता है, उसके प्रव्यू में जितने भी चीज़ें आ जाती हैं उनको आसान बनाया गया है एक्सप्लेन करना। मैं शायद शब्दों में उतना एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ जितना मैं ग्राफिकली उसको एक्सप्लेन कर सकता हूँ, जितना मैं उसको तस्वीरों में एक्सप्लेन कर सकता हूँ, और ये मुमकिन हो पाया क्योंकि कंप्यूटर्स हैं। एडवर्टाइज़र के लिए बहुत बड़ा जो है ब्लेसिंग है ये कंप्यूटर जो है, इसे वो लेआउट क्रिएट करते हैं और उसको फिनिश टच दे सकते हैं, अपने क्लाइंट्स को एडवांस में अपनी कॉपी दिखा सकते हैं, उनसे अप्रूव करा सकते हैं, और उनकी कोई सजेशंस हो उसको चेंज करने की तो वो कर सकते हैं। और उसके बाद आप बिलबोर्ड्स पे बड़े बड़े एडवर्टीजमेंट देखते हैं, फ्लैक्सेस पे बने हुए एडवर्टीजमेंट देखते हैं, ऑल दीज थिंग्स आर द आउटकम ऑफ कंप्यूटर्स। और जो स्प्रेडशीट्स हैं और जो मीडिया है उसमें कंप्यूटर के प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन में गजब का योगदान है। टीवी स्टेशन्स में, टेलीविज़न, रेडियो, और आजकल जो सोशल नेटवर्किंग है और जो इंटरनेट है उसमें इसका पूरा योगदान है। सॉरी, कंप्यूटर जनरेटेड जितने भी ग्राफिक्स है वो कमर्शियल्स में यूज़ किए जाते हैं, और
आपने देखा होगा कि बहुत बड़े पैमाने पर कंप्यूटर्स का इस तरीके से यूज हो जाता है। अन्य जगह जहाँ पे इसको यूज़ किया जाता है, जैसे क्रिएटिंग डिज़ाइन क्रिएट किए जाते हैं इससे, और स्क्रिप्ट लिखे जाते हैं इससे, अकाउंट्स और मैनेजमेंट के काम जो है इससे किए जाते हैं। ये सारी नई ऑर्गेनाइजेशन, मास कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन की ही बात करता हूँ, मार्केटिंग इससे की जाती है, एड प्रिपरेशन किया जाता है, क्लाइंट लिस्ट बना के क्लाइंट को इससे कॉन्टैक्ट किया जाता है, और क्लाइंट की लिस्ट एक बहुत बड़ी डिज़ाइन की जाती है और उनको अप्रोच किया जाता है। और इसके अतिरिक्त जो है ऑनलाइन जर्नलिज्म में बहुत बड़ा योगदान इसका है, और रीडिंग न्यूज़पेपर्स और कलेक्टिंग रेवेन्यूज़ में भी इसका योगदान है। आपके पास क्लाइंट लिस्ट होती है, किसने पेमेंट ऑनलाइन किया किसने नहीं किया, वो आपको कंप्यूटर से पता चलता है। इसलिए सोशल नेटवर्किंग का बहुत बड़ा प्लेटफार्म बन गया है कंप्यूटर। सोशल नेटवर्किंग यानी जैसे फेसबुक है, जैसे ट्विटर है, जैसे इंस्टाग्राम है, जैसे व्हाट्सएप है, जितने भी आपके सोशल नेटवर्किंग के ग्रुप्स हैं वो इसी से चलायमान है और यही इसको चलाते हैं कंप्यूटर की वजह से। वर्ल्ड वाइड नेट जो इंफॉर्मेशन का बहुत बड़ा www जो बहुत बड़ा सोर्स है, जैसे गूगल है ये, और विकीपीडिया है, गूगल है, ये सारे जो है नेट की वजह से, कंप्यूटर की वजह से ही पॉसिबल हो सके। माइक्रो ब्लॉगिंग कंप्यूटर की वजह से पॉसिबल हो सकी, ब्लॉगिंग कंप्यूटर की वजह से पॉसिबल हो सकी, वाचिंग वेबिनार्स और वेबकास्ट्स, आप वेबकास्ट इस वक्त यूट्यूब आप वॉच करते हैं, विकीज आप यूज़ करते हैं, आप नेटफ्लिक्स वॉच करते हैं, उसमें दुनिया भर का कम्युनिकेशन का स्टेप बढ़ा हुआ है, उसमें हर तरीके का कम्युनिकेशन का, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स है, बड़े बड़े एग्रीगेटर्स है जहाँ पे कंटेंट बिकता है और कंटेंट खरीदा जाता है और जहाँ पे कंटेंट डेमोंस्ट्रेट होता है, ये सारी चीज़ें आपको ये कंप्यूटर ही देते हैं। और इसी के साथ आज मैं आपसे यहाँ पे विदा लेता हूँ। अगले प्रोग्राम में आपसे फिर अगले विषय पे मैं डिस्कस करूँगा। ज़रूर देखिएगा और ज़रूर प्रोग्राम्स के बारे में अपनी राय लिखिए। मुझे बहुत अच्छा लगा कल के प्रोग्राम के बारे में जो मैंने MGMC सेकंड के लिए किया था, कल शेयर किया था, उस पर मुझे अच्छे रिस्पांस मिले, मुझे इनकरेजमेंट होता है और अच्छा लगता है, मुझे लगता है कि इसको कोई वॉच करता है। तो इसलिए ये आपका क्लासेस का लेसन है, आप इसको देखिए और अपनी राय दे दीजिए और अपनी अटेंडेंस ऐसे लगा दीजिए, क्योंकि ये अटेंडेंस आपके लिए बहुत ज़रूरी है, आपके जो क्लासेस है उसका परफॉर्मेंस के लिए। कभी भी हम आपको कुछ क्वेश्चंस दे देंगे, उनके आप फिर आप हमें आंसर्स ऐसे ही लिख के दे देंगे और भेजेंगे, हमको पोस्ट करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। अभी नए वीडियोज़ में प्रेफर करूँगा और आपको आपके साथ शेयर करूँगा। थैंक यू।